हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फ़ोनपे ऐप में दो बैंक अकाउंट को ऐड कैसे करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी फ़ोनपे एप्लीकेशन को चलाते हैं और आप अपने फ़ोनपे में दो बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक प्यार रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे हर वीडियो को देखने के लिए चांस एक घंटे हुआ उसको दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इससे पहले आप सबको बता दूं कि फ़ोनपे ऐप में दो बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए दोनों बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सेम ही होना चाहिए, यानी कि एक ही मोबाइल नंबर दोनों बैंक में रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसी मोबाइल नंबर पर फ़ोनपे एप्लीकेशन भी बना होना चाहिए, तभी आप फ़ोनपे एप्लीकेशन में दो बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, दो या तीन भी कर सकते हैं। तो फ़ोनपे एप्लीकेशन में दो बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको मेनू बार में आना है। यहाँ पे आपको एक मिलेगा माई मनी, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको पेमेंट मेथड के अंतर्गत आना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला मिलेगा बैंक अकाउंट्स, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जिससे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने जो पहले से बैंक अकाउंट किसमें ऐड करके रखा होगा उस बैंक अकाउंट का डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसमें नए बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट, आपको सिंपल में इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, जो पॉपुलर बैंक है आपको ऊपर ही मिल जाएगा या यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, या डायरेक्टली आप अपने बैंक का नाम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो हमारा खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसको तो आपको थोड़ा समय तक वेट करना होगा। इसको तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट एडेड सक्सेसफुली, यानी कि अकाउंट सक्सेसफुल एड हो चुका है। दोस्तों, अब आपको यहाँ पे अपना यूपीआई पिन को सेट करना होगा, यानी कि यूपीआई पिन को बनाना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप सबको एक बात को ध्यान देना है कि जो आप अभी बैंक अकाउंट को ऐड किए हैं इसी बैंक अकाउंट के साथ में और इसी मोबाइल नंबर के साथ में पहले से कोई यूपीआई आईडी बनाया है, यूपीआई पिन बनाया है। मान लीजिए कि फ़ोनपे के अलावा गूगल पे या पेटीएम एप्लीकेशन को चलाते हैं और उसमें यूपीआई आईडी यूपीआई पिन को बनाया है, तो आप उसी यूपीआई पिन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको नया यूपीआई पिन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपने पहले से यूपीआई पिन को बनाया है तो यहाँ पे आपको डाउन के बटन पे क्लिक करना है और आप पुराने वाले यूपीआई पिन के जरिए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आपने पहले से कोई यूपीआई पिन को नहीं बनाया है, आप नए यूपीआई पिन को बनाना चाहते हैं, तब आपको इस पर क्लिक करना है जहाँ आप लिखा रिसेट यूपीआई पिन। जिस आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना एटीएम कार्ड का डिटेल डालना होगा। दोस्तों, एटीएम कार्ड का आखिरी का 6 नंबर ऊपर इंटर करना है और यहाँ पे अपने एटीएम कार्ड का वैलिड डेट यहाँ पे इंटर करना है, मंथ और ईयर। इसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक पर रजिस्टर वाले पर ओटीपी आएगा और ओटीपी सबसे ऊपर आप डालेंगे। इसके बाद आपको नीचे 6 नंबर का यूपीआई पिन को सेट करना होता है। इसके बाद आपका यूपीआई पिन सक्सेसफुल सेट हो जाएगा या रिसेट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने पहले से यूपीआई पिन को सेट करके रखा है तो यहाँ पे हम डाउन के बटन पे क्लिक करेंगे। इसको तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सक्सेसफुल दो अकाउंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो गाइस, इस तरह से आप फोनपे एप्लीकेशन में दो बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आप फोनपे पे और भी वीडियो चाहते हैं जिससे कि मनी ट्रांसफर करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, बिल पेमेंट करना है या कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट को आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।